आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। जो स्टेट में इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर होता है, यानी उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर है, वो 2019 का आवेदन आ चुके हैं और इनके जो ऑनलाइन आवेदन है 30 दिसंबर से शुरू होंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 30 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे आवेदन। 27 जनवरी तक आवेदन आपके चलेंगे और अंतिम तिथि जो है वो 30 जनवरी है। ठीक है गाइज, अब आगे चलता हूं मैं आपको लेके, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इसके अंदर। क्या कि आपको कहां पे जाना पड़ेगा, आपको upsc.up.nic.in की साइट पे जाइएगा। वहां पर आपको यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई करने का पूरी प्रक्रिया दी गई है। प्रथम स्तर पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे स्तर पर आपको क्या करना है, अपना पेमेंट करना है, और तीसरे स्तर पे आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फीस बता देता हूँ कितनी है। यहाँ पर अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ओबीसी के लिए 225 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 105 रुपये, दिव्यांग के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए 105 रुपये है। ठीक, तो ये सब तो हो गई बात, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं करूँगा कि कितनी वैकेंसी आई है, वो यहाँ से आप देख लीजिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये वैकेंसी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं इस बार, तो टोटल 692 वैकेंसीज आई हैं हमारे पास, जिसके अंदर सिविल के पहले वाले में 171 वैकेंसी, दूसरे में 171, मतलब पहले वाले में, दूसरा सिंचाई विभाग में 73, इसमें मैकेनिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं, तीसरा लघु सिंचाई विभाग 9 वैकेंसी, कृषि वाले एप्लीकेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सिविल के लिए इसमें ज़्यादा वैकेंसी हैं एज़ कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, बट इस बार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी वैकेंसी आई हैं। आप देख सकते हैं जैसे 8 नंबर वाली वैकेंसी हो गई, 10 नंबर वाली वैकेंसी, और आपका 12 नंबर वाली वैकेंसी, आपका 14 नंबर वाली वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टेट्स में सिविल वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी रहती ही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी है। और आप यहाँ पे भी देखिए, 15 नंबर पे भी इलेक्ट्रिकल वाले एप्लीकेबल हैं, 20 नंबर वाले पे इलेक्ट्रिकल वाले एप्लीकेबल हैं, 21 श्रम विभाग में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और रासायनिक वाले लोग एप्लीकेबल हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई है साल के इस एंड में, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों को इंतज़ार था इस पेपर का, यूपी के तो स्पेशली लोग। और इसका जो पूरा प्रोसेस है आगे कैसे होगा, अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दे दूंगा, जिससे आप इसे और पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच।